एक सप्ताह में सेक्स कितनी बार करना चाहिए, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। काफी लोग हमारे पास में आते रहते कि भाई सेक्स कितना करना चाहिए। अभी आप ये सन्यासी को पूछते हैं कि सेक्स कितना करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, सन्यासी बोलेगा अपनी जिंदगी में एक बार भी सेक्स नहीं करना चाहिए, सन्यासी बोलेगा। या फिर और किसी को पूछा तो फिर वो बोलेगा हाँ कि भाई जितनी आपको संतति चाहिए उतने बार करना चाहिए। आपको एक संतति चाहिए, एक बच्चा चाहिए तो एक बार करो, दो बच्चे चाहिए दो बार करो। मतलब यहाँ तक लोग ऐसी बातें करते रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सेक्स के लिए काफी परहेज करना चाहिए, क्योंकि वीर्य जाना, धातु जाना, इसका मतलब अपनी ऊर्जा जाना है बाहर, और ये जाना कुछ अच्छा नहीं है, उससे कमजोरी आती है, तो ज्यादा नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य जो है उसका पालन करना चाहिए। अभी सब ये पूरा गलत है, ये सब पुरानी कहानियां हैं, ऐसा होता नहीं है। सेक्स करने से कुछ भी खराबी होती नहीं। कितना करना चाहिए, जितनी भूख लगी उतना खाना खाना चाहिए, वैसा सेक्स की जितनी भूख लगी है उतना सेक्स करना चाहिए, सिंपल उसका जवाब है। क्या होता है कि उम्र के हिसाब से सेक्स की इच्छाएं कम कम होती जाती है, मगर 18 साल से 30 साल तक ये उम्र में काफी सारा मतलब निसर्ग जो है, नेचर जो है, वो चुप नहीं बैठने जाता, काफी सारा हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। तो ये उम्र में शादी हो गई तो फिर हो सकता है कि वो रोज एक बार, दो बार, या जितने भी बार वो चाहता है उतने बार वो सेक्स कर सकता है। स्पेशली हनीमून पीरियड है, शादी होने के बाद में पहले महीना दो महीने तो लोग दो दो चार चार बार 24 घंटे में करते रहते हैं सेक्स, और वो नॉर्मल एब्सोल्युटली। फिर क्या होता है कि 30 साल से लेकर 40 साल तक उसका थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। हो सकता है कि ऑल्टरनेट एक दिन बाद एक दिन ऐसा लोग सेक्स करते हैं। 40 साल के 50 साल की उम्र में हफ्ते में दो बार या तीन बार करते रहते हैं, जैसा भी उनकी इच्छा है। और 50 साल के बाद में हफ्ते में एक बार हुआ तो होता है सेक्स, तो उम्र के हिसाब से। मगर ऐसा उसका कोई ये गणित नहीं है कि यही है करके। सेक्स डिपेंड है अपने दिमाग का पैटर्न क्या है, साइकोलॉजी क्या है, बचपन में क्या संस्कार हुए हैं, बचपन में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए लाइक सेक्स अब्यूज जैसा हुआ है जिसके वजह से दिमाग के ऊपर कुछ ऐसा बहुत ज्यादा आघात हुआ है या बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है साइकोलॉजिकली। या फिर शारीरिक भी है कि भाई शरीर में कमजोरी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, वजन बहुत ज्यादा है, या और कुछ बीमारियां हैं, फिर उसके ऊपर भी सेक्स डिपेंड रहता है। इन शॉर्ट क्या है कि सप्ताह में कितने बार करना चाहिए, सप्ताह में उम्र के हिसाब से है, और जितनी भूख लगी उतना है। मगर यदि फीमेल पार्टनर को यदि एक्साइटमेंट नहीं है, यदि उसकी इच्छा नहीं है, वो परेशान है, उसको मजा नहीं आ रहा है, तो फिर जबरदस्ती सेक्स नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती सेक्स कर रहे तो वो लैंगिक अत्याचार हुआ। उसकी इच्छा होना चाहिए, उसको आपने एक्साइट करना चाहिए फीमेल पार्टनर को, और एक्साइट करने के बाद में वो तैयार होती है तब सेक्स करना चाहिए। फिर हो सकता है कि एक रात में एक बार हो या 7 दिन में एक बार हो, डिपेंड्स। तो ऐसा कोई उसका गणित नहीं है। मगर आपको बच्चा यदि होना है, बच्चा चाहते हैं, संतान चाहते हैं, तो फिर उसका जो पीरियड है वो है कि जब मेंस्ट्रुएशन का दिन जो है वो आप नंबर एक दिन पकड़ते हैं, डे 1, तो फिर वहां से यदि आप काउंट करते हैं तो 12 से 16 दिन के बीच में मैक्सिमम चांसेस है संतान होने के। तो 12th to 16th day ये संतान के मैक्सिमम चांसेस, उसमें यदि सेक्स करते तो बच्चा हो सकता है। बाकी फिर आपने ज्यादा सेक्स किया तो बच्चा होगा, कम सेक्स किया तो बच्चा नहीं होगा, ऐसा भी कुछ नहीं। अभी सवाल आता है सेक्स ऑब्सेशन का। कुछ लोग बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। ऑब्सेस मतलब उनको इतना है कि वो एक ऑब्सेशन हुआ है सेक्स करने का, और वो बार 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 उनके दिमाग में वही चलता है सेक्स सेक्स से। बहुत परेशान करेंगे फीमेल पार्टनर को, इच्छा भी नहीं है तभी वो करना चाहेंगे वो, तो वो ऑब्सेशन है, उसका इलाज करना पड़ेगा यदि उनको ऑब्सेशन है तो। दूसरा एक है कि हाइपर सेक्सुअलिटी होती है कुछ लोगों को, बहुत ज्यादा सेक्स, और वो मैनिया जो उन्माद या हर्षवायु की मानसिक बीमारी, उसमें हाइपर सेक्सुअलिटी होती, तो फिर उसका इलाज करना पड़ेगा हाइपर सेक्सुअलिटी का। या फिर जिनको भ्रम की बीमारी है, मतलब डेमेंशिया हुआ है, और डेमेंशिया में उनको हाइपर सेक्सुअलिटी हो रही है, मतलब उनको सरासर विचार करने की बुद्धि नहीं है, वो किसके भी सामने सेक्स के लिए अप्रोच हो जाएंगे, कोई भी लेडी को अप्रोच हो जाएंगे, और वो बार बार डिमांड करेंगे। और ये डेमेंशिया उम्र में समझो 65-70 साल के बाद में भी हो रहा है, उनके फीमेल पार्टनर को कोई इच्छा भी नहीं है तभी भी वो डिमांड करेंगे और वो सेक्स करना चाहेंगे, और उनसे होता भी नहीं तभी भी वो चाहेंगे, तो वो हाइपर सेक्सुअलिटी यदि है तो उसका इलाज करना पड़ेगा। अदरवाइज हफ्ते में कितने बार सेक्स करना चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, ऐसा कुछ गणित नहीं है, कितने भी बार कर सकते हैं, जितनी इच्छा है उतनी। दोनों मेल फीमेल पार्टनर की, पति पत्नी की इच्छा है, दोनों को उसमें मजा आ रहा है, दोनों एंजॉय कर रहे हैं, तो कितने भी बार करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कि कितना कम और कितना ज़्यादा। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।